मैं काफ़ी टाइम से रोस्ट सीखना चाहता था कि मुझे कोई रोस्ट करना सिखा दे। तो होता है ना, अपने दिल में आपने बहुत टाइम से वो चीज़ें दबा के रखी और पूरी कायनात अपनी ताकत लगा देती है आपकी वो इच्छा पूरी करने में। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ, जब मैं ये रोस्ट सीखना चाहता था तो इस देव मानुष की वीडियो आ जाती है। इस प्राणी का नाम है कुणाल कामरा। तो कुणाल मरवा अपनी कुणाल कामरा अपनी वीडियो में कैरी मिनाटी को रोस्ट करने आया, बट मुझे कन्फ्यूजन इस बात की है वो रोस्ट करने आया था या खुद रोस्ट होके चला गया। अबे फटे निरोध के नतीजे। जाकर पहले एडिटिंग करना सीख ले, तुझसे लाख गुना बेटर तो 12-13 साल के बच्चे कर लेते हैं एडिटिंग। टिटू बैकग्राउंड में साउंड लगा। तेरी हर वीडियो में एक ही प्रोपोगेंडा चलता है, तेरी हर वीडियो में एक ही प्रोपोगेंडा चलता है। सुना है रुपयों के लिए तो इतना गिर गया कि अब बिना तेल के मरवाता है। और भी है, बैक टू बैक आएगा। टिटू साउंड रुकना ही चाहिए। तुझे ईर्ष्या इस बात की है कि एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन गया, तुझे ईर्ष्या इस बात की है कि एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन गया और तूने इतनी मरवाई फिर भी तुझे एक सिंगल शो नहीं मिल पाया। छोटे ईर्ष्या से नहीं मेहनत से आगे बढ़ते हैं, छोटे ईर्ष्या से नहीं मेहनत से आगे बढ़ते हैं। पर तुम जैसे बुद्धि जीवियों को ये बात समझ नहीं आएगी, तभी तो सारी उम्र हाथ में लेके खड़े रहते हैं। ये वो इंसान है जिसका घर प्रधानमंत्री की बुराई करने से चलता है, धर्म के ऊपर घटिया जोक बनाकर लोगों के बीच सेक्युलर और सो कॉल्ड लिबरल बनते हैं। अरे क्या बात है टिटू यार, आज तो राइमी राइमी बनती जा रही है यार। तेरी एक वीडियो आई थी कुणाल कामरा यार, जो पब्लिक में तेरी लोगों ने बजाई थी और तेरे से फिर आवाज नहीं निकली। भगवान के बारे में बोले तू, तो देख रहे क्या करने का तुम लोग, क्या करे बताओ। समझ में नहीं आ रहा। कुणाल कामरा को बहुत ज्यादा शौक है अकेले में प्यार से गाली खाने का। तभी तो जब ये ड्रामा चल रहा था टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब, या जब कैरी मिनाटी की वीडियो डिलीट हुई थी, तब उसने उस वक्त कोई वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि इसे अकेले में गाली खानी थी। तभी इसने वेट किया और जब सब कुछ शांत हो गया तो इसने एक उड़ते हुए तीर के आगे अपने पिछोड़ा कर दिया। जनता जानती है तू कौन है, धर्म का मजाक तू उड़ाता है, जो देश के विरोध नारे लगाते हैं उनके साथ बैठ के इंटरव्यू तू लेता है। आज जब तेरा करियर ही नहीं रहा तो बेइज्जती करवाकर अपना काम चलवाना चाहता है। अरे पबजी खेलना शुरू कर दे अपने दोस्त तन्मय भट्ट की तरह। और क्या बोल रहे हैं कि कैरी का हाई पॉइंट है जब तू उसके बारे में बोल रहा है, और तेरा लो पॉइंट है तू कैरी के बारे में बोल रहा है। कैरी मराठी, दिस हैज बीन अ फन जर्नी वेयर आई हैड टू कंज्यूम योर कंटेंट टू मेक जोक्स अबाउट यू एंड रोस्ट यू in the manner that I seem fit. I think that's also the highest point in your career, that I had to see your content. And that's also the lowest point in my career, that I had to see your content. तेरी चूतियाबंती में 19 लाख का फर्क है। तेरे सेंस और लॉजिक को उतनी ही ज्यादा जरूरत है जितने तेरे सर को बालों की। For Carrie and his fans, निर्मला सीतारमण हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है। सुन कम अकल के अधेड़ उम्र के इंसान, केवल निर्मला सीतारमण का नाम लेकर तू ज्ञानी नहीं बन जाता। वैसे ही अपनी वीडियो में हर लाइन के बाद ओ का साउंड लगाकर वो फनी नहीं बन जाती। ध्यान से देखिए इस दरिंदे को, इसका नाम है कैरी मिनाटी। ये यूट्यूब को यूट्यूब बोलता है और सस्ते नशे करने वाले हरामखोर जैसी लाइनों को जोक। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे अलकट हंस। इन जैसे फेक साउंड को उनकी जरूरत पड़ती है और पड़ेगी, जिनको उन अपने ऊपर खुद पे यकीन नहीं है कि उनकी बात सुनकर जनता हंसेगी। वैसे तो उदास मत हो, तुझ पर तो वैसे भी सब हंस ही रहे हैं। अब उनकी बात कर लें जो इन जैसे नमूनों को सपोर्ट कर रहे हैं। यूट्यूबर कैरी मिनाटी अपने वीडियोस में टिकटॉक और उस पर वीडियो बनाने वालों का मजाक उड़ाते हुए कई आपत्तिजनक बातें उन्होंने कही। तो इन लिबरल ललन टॉप की नजरों में कैरी मिनाटी ने जो अपनी वीडियो में जो शब्द यूज किए थे वो बहुत गलत, नहीं बहुत ज्यादा गलत वर्ड यूज किए थे। जो इस कुणाल कामरा ने अपनी वीडियो में वर्ड्स यूज किए वो बहुत सही यूज किए, तो और उसको ये प्रमोट करने आ गए हैं। लिबरल से एक दूसरे को इतना सपोर्ट करते हैं कि एक लिबरल ने अगर हक दिया है तो दूसरा लिबरल उसको साफ करने नहीं बल्कि उसको चाटने आ जाते हैं, जैसे इन्होंने ये आ गए। ये वीडियो इतना चला कि इंडिया का नॉन म्यूजिकल सबसे ज्यादा लाइक्स पाने वाला वीडियो बनने जा रहा था। आंटी वो क्रॉस कर चुका था, थोड़ा पढ़ लिख कर मुंह खोला करो। गेम में एंट्री ली है कॉमेडियन कुणाल कामरा ने। किसने एंट्री ली? गेम में एंट्री ली है कॉमेडियन कुणाल कामरा ने। मैं सच बता रहा हूँ कुणाल कामरा, ये तुम्हें कॉमेडियन बताकर तुम्हें उकसा रहे हैं। तुम्हारी लाइन पे कोई नहीं हंसता बल्कि तुम पर हंसते हैं, और उसे सी फॉर कॉमेडियन ही सी फॉर डैश। इस डैश में जो भी वर्ड आने वाला है उसे कमेंट बॉक्स में लिख के इसे पूरा करें। हिसाब से दूरदर्शिता दिखाते हुए कुणाल ने कैरी के फैंस को भी इस वीडियो में ट्रोल कर दिया है। दूरदर्शिता का मतलब पता भी है उसे, ऐसे यूज कर दिया, और यूज भी किसके लिए कर रहे हो तुम लोग? खैर ललन टॉप के लिए तो हम अगली वीडियो में बात करेंगे। ये बड़े अलग लिबरल लोग हैं, एक एक करके बात करेंगे ना प्यार से। क्या जाते जाते कुणाल कमरा सुनता जा। बेटा तुमसे ना हो पाएगा।
उम्र हो चुकी है, आराम से प्यार से घर में बैठ जाए यार, पबजी खेलना शुरू कर दे, बिना वजह के रोस्ट मत निकाल यार, बच्चे डर जाते हैं।